और सोने के लिए छत पर। आपका मकान हमें पसंद में जीता है, लेकिन मुझे कब्जा थोड़ी तौर पर चाहिए। कब्जा मिल जाएगा तो बस ठीक है, कल मेरे दफ्तर आकर बाकी सब बातें तय कर। जी बहुत अच्छा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लोग हमारा मकान क्यों देखने आए थे? क्या है उठाने लगी? बताइए ना अब्बू। किराए पर नहीं उठाना चाहता आपके बेटी। तो फिर मैं मकान बेचने लगा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? शायदा बेटी, तुम्हारी बहन की शादी में कुल 15 दिन रह गए हैं और अपने पास चंद 100 रुपयों के सिवा और कुछ नहीं। दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों से मिला, लेकिन बुरे वक्त में रिश्ते सूखी लकड़ी की तरह बहुत जल्द टूट जाते हैं। हर एक से कोरा जवाब सुनकर मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया, इसलिए कि लड़के वालों ने जहेज के बगैर बारात न लाने की धमकी दी थी। और आप इस धमकी में आकर इस आखिरी पूंजी को भी बेच डालना चाहते हैं, हम सबको सर छुपाने के आश्रय से महरूम कर देना चाहते हैं। के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं बेटी। बाजी, बारात ना आई तो दुनिया वाले तरह तरह की बातें करेंगे बेटी। दुनिया का काम तो बातें ही करना है अम्मी। ये मकान जो आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा और हम दोनों बहनों की इज्जत का महाफिज है, ये मकान नहीं बिक सकता। आपदा बेटी, जो लोग जहेज की रिश्वत लेकर गरीबों की बेटियों को बसाते हैं, उनकी बारात ना ही आए तो अच्छा है। ऐसी बदशगुनी की बात। माँ, मैं ये नहीं चाहती कि मैं इस घर से दुल्हन बनकर चली जाऊं। मेरे खाते फिरे, इस मकान पर शहजादा का हक भी तो है और मैं अपनी छोटी बहन की हक तलफी करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो क्या कह रही है बेटी, छोटा सा घर जो हमारी इज्जत को समेटे बैठा है, हम सब इसके साय में मेहनत मजदूरी करेंगे, मैं भी, आप भी, हर अबू भी, सिर्फ इसलिए कि शायदा तालीम हासिल कर सके। गुर्बत की वजह से मैं ना पढ़ सकी तो क्या हुआ, तो क्या इस गरीबी की वजह से शायदा भी तालीम नहीं हासिल कर सकी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बारात लौटती है तो लौट जाए अम्मी, हम सबकी मेहनत से किताबों की बारात आएगी, वो बारात जिससे मेरी छोटी बहन पढ़ लिख कर अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सकेगी। आप तो बेटे, मेरे ससुराल वालों से कह दीजिए अबू कि आप अपना लघु और छोटी बेटी का हक बेचकर दामाद नहीं खरीद सकते। आपदा, उनसे कह दीजिए अबू कि आपकी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया है। अगर तुम ना होती तो आज इस घर में ये दिन ना आता। बस बस रहने दे ये बातें, इतना याद रखना शायदा कि तू वो सूरज है जिसने इस घर की अंधेरी रात को दिन बनाना है। बाजी, सामान वगैरह सब रख लिया ना बेटी? हाँ मैं, ये लो तुम्हारी किताब रह गई थी। शुक्रिया। तांगा आ गया है बेटी। आई अबू। गाड़ी आने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। मैं तो कब से तैयार हूँ, आप सामान लेके चलिए। माँ, बेगाना शहर है, वहां लड़की नहीं लड़का बन के रहना। माँ, मेरी बच्ची। अरे ये क्या,
तो रोने लगी। न घर से बाहर आंखों में आंसू लेकर जाया करते हैं और ना बाहर से घर आंखों में आंसू लेकर आया करते हैं। अच्छे बच्चों की यही पहचान है। मैं क्या करती, अम्मी और बाजी ने देर कराती। तुम्हारी बाजी तो ठीक है ना? बिल्कुल। अरे तुम्हारी बाजी की कहीं बात चली? अभी नहीं। अरे फिर तो तुम्हारा मामला बहुत लेट है। मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। लेट होने से गाड़ी छूट जाती है बन्नो। अच्छा जी। मैं बताऊं? फौरन बताओ। तोता तोप चलाएगा। ए मिस्टर, इसने मुझे धक्का दिया है जी। उसने धक्का दिया? उसने धक्का दिया तो क्या गिरने के लिए मैं ही थी? जी जी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जो यहाँ मुंह उठाए घुसा है? वो जी, जी जी जी, क्या बोला ना? मेरी तरफ क्या देखते हो, जवाब दो उसको। अच्छा जी, वो जी गाड़ी चल पड़ी थी ना, इसलिए। गाड़ी का बच्चा, चलो नीचे उतरो, ये लेडीज डब्बा है, चलो नीचे। क्यों उतरो जी, कोई मुफ्त में आया हूँ, टिकट लेके आया हूँ जी। टिकट लेके आया तो मेरे पे एहसान किया, चलो नीचे चलो। अच्छा कैसी हो तुम, आप देखिए ना गाड़ी चल रही है। आप देखिए ना गाड़ी चल रही है, मैं कहती हूँ छलांग लगा दो। करीना रहने दो, अगले स्टेशन पे उतर जाएगा। इसकी भी सुनो, ये क्या कह रही है? सुना फौजिया, इसकी बात कितनी जल्दी सुन ली इस बोंगे ने। बहुत बुरी बात है, तुम तो इस गरीब के पीछे ही पड़ गई। हाय गरीब, क्या बात है, बड़ा तरस आ रहा है इस बेचारे पर। हर बात की हद होती है फौजिया। लो भई, ये तो सीरियस ही हो गई। अरे छोड़ तू भी। अरे तुम जगह बैठ गए, चलो यहाँ से, चल चल मेरी जगह से। परम मारे की तक रहे हैं। की बात नहीं करता, ये संदूक जनाना है, मेरा संदूक अंदर है। अरे ये तो सरीना का संदूक है। लाओ मुझे तो। मैं जा संदूक। चला। अरे मेरा संदूक, दो गाड़ी निकल जाएगी। किस तरह तैयार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा जी, वो तैयार हो गए। हाँ, आदमी भिजवा दीजिए। जी हाँ, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम अब्बा जी। आ गए हो बरखुलदार, अब आम खुली है तुम्हारी? ओ जी, सफर की थकावट थी जी। अबे थकान के बच्चे, दुकान पर 12 बजे आओगे तो खाक चलेगी। दुकान दुकान तो ऐसी चलेगी जैसे मेरठ की कैची चलती है। गाँव से कब आया इसमें? कल ही आया। और सुना वहाँ के क्या हाल चाल? बस वो ये क्या खाक सुनाएगा, दसवीं तो कर ना सका। मैंने सोचा ऐसे दुकान पर बैठा दूं, कुछ बन जाए। बाबू तो बनने से रहा। आपने सही सोचा है, होनहार बच्चा है, दुकान खूब चलाएगा। तो बस फिर आज से ऐसे नालायक को तुम्हारी शागिर्दी में देता हूँ। बहुत अच्छा सोचा है आपने। बहरहाल अब आपने ये बच्चा मुझे दे ही दिया है तो मैं इसे एक हफ्ते के अंदर कांटा बना दूंगा, कांटा। संभालो अपने कांटे को, मैं जरा बाजार हुआ हूँ। देखना फजूल टेलीफोन न करना। अच्छा जी। सुना गांव में कैसी गुजरी? अरे गांव में जो गुजरी सो गुजरी, ये पूछो मेरे साथ ट्रेन में क्या गुजरी? बगैर टिकट सफर कर रहे होगे, पकड़े गए होगे। अरे नहीं यार, वो मैं स्टेशन पहुंचा ना तो गाड़ी चल पड़ी थी। अच्छा अच्छा, तो तुम वहीं टापते रह गए? अरे नहीं यार, सुनो तो, मैं लपक के एक डब्बे में घुस गया, अब जो देखा तो जनाना डिब्बा। जनाना डिब्बा, फिर तो खूब मजा आया होगा, सारे रास्ते दुपट्टे गिनते आए होगे। कुछ ना पूछो यार भोले, एक से एक फर्स्ट क्लास लड़कियां थी और उनमें से एक तो ऐसी थी कि क्या हुआ? वही है ट्रेन वाली। आइए आइए आइए। हमें अफसोस है मिस्टर, ट्रेन में आपके साथ कुछ ज्यादती हो गई। कोई बात नहीं जी, वो तो मेरा ही कसूर था, भला कोई जराना डब्बे में भी चढ़ता है। वेरी गुड, इसका मतलब है आप हमसे नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं जी, आप हुक्म कीजिए। हम लोग रेड क्रॉस के लिए चंदा लेने आए हैं। चंदा लेकर आप क्या करेंगे? आप तो खुद चंदा हैं जी। मेरा मतलब है चंदा तोरी चांदनी। आप इसकी बातों पे न जाइए जी, इधर आइए, मैं दूं आपको चंदा। ये लीजिए आप लीजिए। खुदा का वास्ता क्या कर रहे हो? कर रहे हैं। ये लीजिए, सारी दुकान दे दोगे? सुनिए, ये रह गया जी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। और कहाँ जा रहा है? अरे यही है वो जालिम बोले। और जो जुल्म तुझ पर तेरा बाबा आकर करेगा उसका भी कुछ इल्म है? सारी करेंसी अस्पताल की लेडीज को दे दी। अरे दे दुनिया 70 आखिरत। अब ओ घनचक्कर, क्यों अपनी मौत को बुलवा दे रही है? अब जो हो सो हो भोले, जब से उसे देखा है मुझे तो अपनी सुध बुद्धि नहीं रही। अल्लाह तेरी बुद्ध ठीक करे। ऐसे ही और मिल गए तो ऐसे अपना अस्पताल खोल लेगी। बकवास बंद कर करेगा, तुम्हें मालूम है मैं ऐसा बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, वो डॉक्टर सफर करती है, बेवार बेचारा तो ट्रेन में ही जख्मी हो गया था। हाय बेचारा, तू क्यों मरी जाती है? सच्ची बात तो ये है कि अपने मरीज को छोड़कर तड़पते झड़कर चले जाना। ए अपना उसको तुम अपनी चोट बंद करोगी या नहीं? हाय अल्लाह, उसकी जिक्र से भी इतनी नफरत। सुना है मोहब्बत नफरत से जन्म लेती है। इकरार का एक अंदाज इनकार। उस बुद्धू को अपने दिल में सजा ले। देख तो अब बादलों ने भी गरज कर मेरी बात की तायद कर दी है। मेरी जान छोड़ो बाबा, इस भरी दुनिया में वही उल्लू बाटा मेरे लिए रह गया। कौन जाने वो बेचारा हाय किसी वीराने में बैठा तेरे नाम की माला जप रहा हो। जरा नजर उठा कर देखिए, तूफान आने वाला है। आने दो जी।
जब अंदर तूफान ठाटे मार रहा हो तो बाहर के तूफान की किसे फिक्र है। मेरे ख्याल से अभी तक चंद आफ्ताब, चंद महताब, चंद वालियां आपके जहन के चारों तरफ घूम रही हैं। बको मत जी। सुभान अल्लाह जी, कबल इसके के सारे हिसाब किताब पर पानी फिर जाए, इसे चेक कर लीजिएगा। आरिफ मियां, ओ मियां, ओ मजनू के खुलासे, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, अस्पताल। तो नहीं है मगर ताज्जुब बहुत है। किस बात पर? आपके नर्स होने पर। सुना है कि नर्सें बड़ी हसमुख और रहम दिल होती हैं, मगर आप तो बड़ी ही गर्म। मिस्टर, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। आपके मरीज को दाखिल कर लिया गया है। माफ कीजिएगा सिस्टर, ये मेरा मरीज नहीं, ये आपका मरीज है। आप आराम से लेटे रहो। आराम आएगा तो आराम से लेटेगा ना। अभी तो मेरा यार सारा दिन बारिश में भीग के अकड़ा हुआ है। बारिश में भीग? जी हाँ, बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही, बारिश होती रही, मगर इस आशिक नामुराद ने लांग की कुर्सी ना छोड़नी थी ना छोड़ी। यह है आपका समाज शिष्टर। आपके तस्वुर में डूबा रहा, रोते लगा कदम। आए आए, मेरे यार को बड़ी तकलीफ है। ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा हुआ भोला मुझे यहाँ ले आया, घर पे तो मैं मर ही जाता जी। बस आप मेरे पास रहे तो मैं पहुंच जाता हूँ। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। निमोनिया? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझी हैं। बारिश में भीगने का मीनिया हो तो निमोनिया हो ही जाता है। लेकिन ये बारिश में क्यों भीगे? आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए? जी हाँ, शायद आपने गालिब का वो शेर नहीं पढ़ा। अरे जालिम क्या कह गया है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। हा, 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 हा। क्या शेर मुकम्मल किया है, यानी डॉक्टरी और शायरी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। माफ कीजिए, कमीज आपने कहाँ से सिलवाई है? क्यों, क्या हुआ इसे? अरे साहब, टेलर ने कमीज का सत्यानाश मान। कभी आप हमारी दुकान पे आए, ऐसी कमीज बना के दें कि चुड़ैल भी पहने तो परी नजर आने लगे। अच्छा अच्छा, जब आराम की जरूरत है। अच्छा भाई आरिफ, हम खुदा के हवाले और तुम इनके हवाले। सलाम शिष्ट। जी जी, सुनिए जी, वो पानी पिला दीजिए। ये
दाने गिर रहे हैं। अरे ओहो, तुम क्या रिसो, अब मुझे चादर बदलना पड़ेगी। क्यों जी, पानी ही तो गिराया है मैंने। तुम? अच्छा जी, तो फिर बदल दीजिए। जी सुनिए। जी फरमाइए। ये भोला आपको अंग्रेजी में क्या बुला रहा था जी? सिस्टर। इसका क्या मतलब है जी? बहन। ये तो बहुत गलत बात है जी, लेकिन वो भोले के लिए ठीक। जी सुनिए, अब क्या है जी? ये तकिया ठीक कर दीजिए। जी सुनिए, अब क्या तकलीफ है? दे दो, पानी दे दो, नींद नहीं आती, यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, मेरे तो नाक में दम कर दिया है। कमबख्त को नींद की गोली भी असर नहीं करती। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? हाय 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 हाय, आगे आगे देखिए होता है क्या। और दिया, हम तो जाने सीधी बाखाबन हो तो सास फंसा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम लोगों से। एक वो है कि सारी सारी रात बुत बने घूरे जाता है, एक पल को मेरे चेहरे से नजरें नहीं हटाता। हाय, इस चांद से चेहरे को देखकर कौन नजरें हटाएगा मेरी जान? सरीना, तुम भी मुझे सताने लगी। ईमान से उसकी हरकतें तो देख, मैंने दवाई दी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। कलाई पकड़ ली? आज कलाई पकड़ी है, कल को गला लगा। फिर वही बकवास। चुप कर दो सरीना, खुदा के लिए उसे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता बता। फिर नर्स का रास्ता तो अस्पताल को जाता है और अस्पताल में मरीज होते हैं। बहरहाल कोई तरकीब सोचूंगी। फिर मेरा तो ड्यूटी का वक्त हो रहा है, आओ फौजिया। मैं ड्यूटी पे नहीं। अच्छा तो तू फिर लंबी तान के सो। मैं सोऊं कैसे, मेरी तो नींद उस गुड्डू ने चुरा ली। अच्छा तो तू यहाँ बैठ के लड़ती रह, मैं चली। बाय बाय। बाय बाय। क्या बच्चों की तरह हाय लगा रखी है? आपको दूसरे मरीजों का कुछ ख्याल नहीं? दर्द बहुत हो रहा है जी। दर्द क्या होता है? क्या बताए, वो कब आएगी? वो कौन? वही जी, रात वाली नर्स। रात वाली नर्स? तो तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उसी से आराम आएगा जी। वो आती है चला जाता है। दर्द तो दवा से जाएगा मिस्टर, न दिन वाली कुछ कर सकती है न रात वाली। अरे तुम क्या जानो नर्स? मैं सब जानती हूँ। तो फिर मुझे उसका नाम बता दो। नाम जानकर क्या करोगे? क्या करूँगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। वो ड्यूटी पर आने वाली है, खुद ही पूछ लेना। उससे कैसे पूछूंगा जी, वो नाराज हो गई तो। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी नर्स जी, तुम ही बता दो ना। उसका नाम बरकते है। बरकते? नहीं नहीं नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की का नाम बरकते नहीं हो सकता। कह दो, झूठ कह रही हूँ नर्स। ये झूठ नहीं सच है मिस्टर, फजूल बातें मत करो। अच्छा जी, बरकते। हेलो शादा। हेलो जरीना, सुनाओ उस बोंगे का क्या हाल है? बहुत बुरा, मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवा की वाली बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मुझसे तुम्हारा नाम पूछने लगा। अच्छा, फिर उन्होंने बता दिया? तुमने बता दिया? हाँ, मैंने कहा उसका नाम बरकते है, जब बोला बिल्कुल झूठ। इतनी खूबसूरत लड़की का नाम बरकते नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब वो मुझे बदनाम करने पे उतर है। अरे वो तो पागल हो गया है तेरे लिए, बिल्कुल दीवानों की तरह बातें करता है। सब दीवानगी निकाल दूंगी दो मिनटों में। देख तो सही कैसा सीधा करती हूँ उस मजनू के बच्चे को। अब कैसी तबीयत है बेटा? दिन बड़ी मुश्किल से कटता है माँ, लेकिन जैसे जैसे रात होती है दिल कुछ संभल जाता है। अपने आरिफ मियाँ की जिंदगी बिल्कुल चमगादड़ जैसी है। क्या बकते हो भोले? मैं ठीक बक रहा हूँ शेख साहब, सूरज डूबते ही चांद मशरिक से नमूदार होता है और आरिफ मियाँ के चेहरे पर रौनक आ जाती है। ये क्या जमघटा लगाए बैठे हैं आप लोग?
देखते नहीं मरीज की हालत अच्छी नहीं होगी भी नहीं। तेरे मुंह में खाफ बेटी, आज तो खुदा का शुक्र है हमने अपने बेटे के होठों पर मुस्कुराहट देखी है। दिन के देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ए मिस्टर, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। ये आवाज मैंने एक बार सेंट्रल जेल में भी सुनी थी। शुक्र है आपके हाथ में बंदूक नहीं। ये क्या बात समझिए। नाराज ना हो नर्स, हम चले जाते हैं। हाँ बेगम। अच्छा बेटे हम चलते हैं, इसमें फल है खा ले। वैसे सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जमे रहा मेरे दोस्त। अरे क्या हुआ जी, आपने तो कहा था कि मरीज की हालत अच्छी नहीं, आप मेरे पास रहे ना मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो मिस्टर, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो क्यों जी, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। तुम जरीना से मेरा नाम क्यों पूछ रहे थे? जरीना? कौन जरीना जी? वही नर्स जो अभी अभी बाहर गई है। अच्छा अच्छा, लेकिन नाम पूछने से क्या होता है जी, आप मेरा नाम पूछ लीजिए, मुझे आरिफ कहते हैं। देखो आरिफ जी। देख रहा हूँ जी। हाय, अगर आप तुमने कोई फजूल बात की तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। क्या कर दूंगी? रिपोर्ट जी। अभी आपने आमद रुश्दी और साथियों से फिल्म वाला का नगमा सुना। इस नगमे की धुन मौसीकार कमाल अहमद ने तरतीब दी और शायर थे प्यारे। अब तो बहुत आराम। मैं पूछ रहा हूँ कुछ बात बनी या नहीं? नहीं यार, वो मामला तो अभी वहीं का वहीं है। हाँ वैसे पहले से बहुत नर्म हो गए। नर्म होने से काम नहीं चलेगा प्यारे, थोड़ा गर्म भी होना चाहिए। क्या मतलब? अब इसे मतलब भी बताओ। असल में तेरा नाम भोला होना चाहिए था, तुझसे कुछ नहीं बनेगा। अरे बुद्धू, अब तक तो उसे मोम करके दिल की शीशी में बंद कर लेना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बारिश में भीग भीग कर फौत हो जाएगा और वो किसी और के साथ चल देगी। यार कभी तो उसे मेरे दिल जाएंगे हम, उनको खबर होने तक। वाह 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 वाह। भाईजान आज आपका आखिरी दिन है। ओ, मेरा मतलब है कि अस्पताल में इतने करीब होकर भी दिल की बात ना कह सके तो कब कहोगे जालिम? कल तुम्हें छुट्टी मिल रही है। नहीं यार। तो हिम्मत करके साफ साफ कह दे, जालिम मैं तुझ पे मरता हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब सामने आती है ना फोटो पे ताला पड़ जाता है। तोड़ दे इस ताले को वरना बारिश में भीग भीग के पौंत हो जाएगा। प्यारे, प्यार में पहल हमेशा मर्दी को करनी पड़ती है। मुझे डर लगता है। प्यार भी करता है डरता भी है, नाप ले बढ़ के तीरा। देखो जी, कहीं मरम्मत ना करवा देना, वो मारती भी है। हाँ मारती तो वो है, लेकिन अपनी अलग बात है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अच्छा जी? हाँ जी। प्यार करने वाले तो सीढ़ी लगाकर सूली पर चढ़ जाते हैं। हिम्मत से काम ले, बस समझ ले कि तेरे सीने में दिल नहीं। इंतजार कर सकता हूँ। मैंने ऐसा अजीब आदमी नहीं देखा। इंशाल्लाह देखेंगे भी नहीं जी, वैसे आप जो जी चाहे कह ले,
लेकिन एक बार मेरी बात जरूर। बहुत अच्छा बाबा, अस्पताल के बाहर जो पीपल का दरख्त है ना। जी हाँ देखा है मैंने। क्या हुआ उसे? अरे उसे तो कुछ नहीं हुआ। आज रात को 12 बजे वहीं आ जाना, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी। हाँ सुनूंगी। आज रात को 12 बजे? नो नो, यू आर रॉन्ग मिस्टरी। मॉडर्न जमाने के आदमी इतने सीरियस नहीं होते। हाय हाय, इतनी बुला। अरे अगर इतनी ही बेचैन है तो तू चली जा। वक्त तुम दो और जाऊं मैं। तुझे उसके आने का यकीन जो है भाई, उस बुद्धू से कुछ दूर नहीं। बारिश तो बारिश, वो औरों की परवाह भी ना करे, चाहे चुनिया पर एक बाल भी ना रहे। चल रे मजनू मियां, बुद्धू तो है, गंजे भी हो गए, तो हमारी प्यारी सहेली का क्या बनेगा? बनेगा तुम्हारा सर। तुम ना जाने किस जमाने की बात करती हो, आजकल कौन किसी का इंतजार करते है? बाश में भीग रहा होगा, तो तंग नहीं करो। मुझे भी घर खत भी लिखना है। खत लिखना है या हमें टहा के पीपल के नीचे मिलने जाना है? ठहर जा, जाती है या नहीं? जाती हूँ। चलो जी तुम भी यहाँ से चलो। अच्छा कहती हो तो चली जाती हूँ, वरना तुम्हारे फायदे की बात थी। अरे भाई बारिश में क्यों भीग रहे हो? ओ भाई भी देखिए, बेचारा बारिश में भीग रहा था। बारिश में? जी हाँ, अस्पताल के बाहर जो पीपल का दरख्त है उसके नीचे। मुझे अफसोस है तुम बारिश में भीगते रहे और मैं। कोई बात नहीं जी, बारिश में भीगना तो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। काश मुझे मालूम होता कि तुम इतनी शदीद बारिश में भी मेरा इंतजार करोगे तो मैं वहां जरूर आती। बारिश क्या जी, अगर सैलाब भी आ जाता तो भी मैं वहां से ना हिलता। शैला, क्या अब तू ही अपनी जिद जाने दे? आखिर कब तक तड़पाएगी उस बेचारे को? सीधा सा आदमी है और तुमसे प्यार भी बहुत करता है, अच्छी निभ जाएगी तुम दोनों की। तुझे पसंद है तो तू कर ले। ना भाई, मैं अपनी प्यारी सहेली के हक में डाका नहीं डाल सकती। हाँ ये मशवरा दे सकती हूँ कि किसी के सच्चे प्यार को ठुकराना और किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या तू उससे प्यार नहीं करती? जवाब क्यों नहीं देती? शहदा मेरी एक बात याद रखना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त की बागे अब भी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक बार ये तमान से निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगी। सरीना कब तक अपने दिल का हाल छुपाएगी? कब तक झूठी अना का सहारा लेगी? कब तक खुद को फरेब देगी? दुनिया से लड़ना बहुत आसान है शहदा, मगर अपने आप से जंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Thank you.
तुम गए नहीं, तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो क्या होता है जी, तुम ठीक हो चुके हो? कहाँ ठीक हुआ हूँ जी, हालत तो पहले से भी खराब हो गई है, मुझे तो बस यही रहने दीजिए। अजीब आदमी हो, हम दूसरे मरीजों को बेड कहाँ से देंगे? किराए पर मंगवा लीजिए, सारा खर्च मैं दूंगा। मगर जाने को न कहिए डॉक्टर साहब, मैं ये बिस्तर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अपने घर जाओ। घर? घर तो काटने को आता है, यहाँ बड़ा सुकून है, जिंदगी मिली है यहाँ। फिजूल बातें न करो, ये अस्पताल है, कोई सराय नहीं। डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ, रिश्वत भी दे सकता हूँ, मगर मुझ में अब और भीगने की ताकत नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। बार बार डॉक्टर, एक मिनट एक मिनट, एक बार उसे बुला दीजिए। पकड़ मत, उठा ले। अरे ये क्या करते हो जाने को? अरे मैं बहुत बीमार हूँ, अरे मर जाऊंगा, तुम जिम्मेदार हो गया मेरी बात। आरत को छुट्टी हो गई है, वो बेचारा बहुत रोया चला है, मगर वो उसे जबरदस्ती बाहर ले गए। वो जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जी। कहो, क्या बात है जी? बात ये है के के क्या जी? दरअसल बात यह है कि ये तुम्हारी सुई के पे क्यों अटक जाती है? सुई तो नहीं अटकती जी, है? बस डरता हूं कि आप क्या, आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे जी? जी नहीं। तो फिर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है जी। मोहब्बत हो गई है? बहुत हो गई है जी, बहुत हो गई है। कितनी? इतनी मैं बता नहीं सकता जी। तो जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे? बिल्कुल जी, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो फिर सुनो, बारिश में भीग भीग कर तुम्हारे दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। अच्छा जी। हाँ, और इसका एक ही इलाज है। वो क्या जी? वो ये है कि तुम अपने घर वालों से कहो फौरन तुम्हारी शादी कर दे। शादी? मगर किससे जी? किसी से भी। अच्छा जी।